यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान माहदे को तारीखी और अमन की जानेब अहम कदम करार दे दिया। जोसेफ बोरेल कहते हैं अमन की जानेब इस अहम मौके को खोना नहीं चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने बयान में कहा कि अमन की तरफ बढ़ने के इस मौके को खोना नहीं चाहिए और यूरोपीय ब्लॉक उम्मीद रखता है कि अफगानों की ज़ेरे क़यादत मुज़ाकरात में ताखीर नहीं होगी, जिसका मकसद देरपा अमन का हुसूल होगा। अमरीका और अफगानिस्तान की हुकूमत के मुश्तरक एलामिया के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान में जामे अमन अमल की तरफ अहम कदम है। यूरोपीय यूनियन अफगान अमन अमल में मदद के लिए तैयार है, जिसमें तमाम सियासी धड़े, अफगान खवातीन, अकलियतें और सिविल सोसाइटी बामानी तौर पर शामिल होंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि यूरोपीय ब्लॉक उम्मीद रखता है कि अफगानों की ज़ेरे क़यादत मुज़ाकरात में ताखीर नहीं होगी, जिसका मकसद देरपा अमन का हुसूल होगा। अमरीका और तालिबान के माबैन अफगान अमन मुआहदे के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी ऐसी तंजीम, ग्रोह या इनफरादी शख्स को इस्तेमाल करने नहीं देंगे जिससे अमरीका या उसके इत्तेहादियों को खतरा होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी और इसके इत्तेहादी फौजियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। तालिबान 10 मार्च 2020 से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का अमल शुरू करेंगे। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान में सियासी अमल से मुतालिक लाहे अमल तय किया जाएगा।